नासिक महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र का एक शहर है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक कुंभ मेले के लिए एक श्रद्धालु हिंदू तीर्थ स्थल है जो 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नासिक धार्मिक स्थलों जैसे त्र्यंबकेश्वर, सोमेश्वर मंदिर, बालाजी मंदिर और मुक्तिधाम मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है जो बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। नासिक जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र का पांचवा सबसे बड़ा शहर है और 2021 में 20.5 लाख की आबादी और 2036 में 33 लाख से अधिक होने का अनुमान है। बागवानी, कृषि और वाइनरी के केंद्र के रूप में समृद्ध ये एक औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। शहर तेजी से बढ़ रहा है और प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के अर्बन कॉरिडोर से निकट भविष्य में गंभीर भीड़ का अनुभव होने की उम्मीद है। इसलिए महामेट्रो सुविधाजनक, सुरक्षित, टिकाऊ, विश्वसनीय और एक लागत प्रभावी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रदान करके नासिक में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में लाने की योजना बना रही है। नासिक नगर निगम द्वारा अनुमोदित व्यापक यातायात और परिवहन अध्ययन के आधार पर दो कॉरिडोर की पहचान भविष्य के वर्षों के लिए नासिक मास ट्रांजिट मार्गों के रूप में की गई है। महा मेट्रो का उद्देश्य नासिक में इन दो कॉरिडोर में प्रस्तावित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को संचालित करना है। मार्ग एक गंगापुर और नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बीच 22 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में 2023 में 20 स्टेशन और 6000 पीक ओवर पीक डायरेक्शन की ट्रैफिक का अनुमान होगा। मार्ग दो गंगापुर और मुंबई नाका के बीच 10 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में 2023 में 10 स्टेशन और 2800 पीक ओवर पीक डायरेक्शन की ट्रैफिक का अनुमान होगा। कॉरिडोर के अलावा दो फीडर रूट बसें भी हैं जो शहर के विभिन्न हिस्सों को कॉरिडोर से जोड़ते हुए संचालित होंगी। एक नासिक रोड रेलवे स्टेशन से शिवाजी नगर तक नंदू नाका के माध्यम से 16 किलोमीटर लंबा और दूसरा मुंबई नाका से सतपुर कॉलोनी तक का 12 किलोमीटर का गरवारे से होकर गुजरता है। कॉरिडोर के अलावा तीन तरह के स्टेशन होंगे। टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों के लिए यू टर्न के प्रावधान के साथ लंबाई में 60 मीटर और चौड़ाई में 11 मीटर मापने वाला टर्मिनल स्टेशन होगा। टाइप 2 स्टेशन 30 मीटर लंबे और 12.5 मीटर चौड़े होंगे जो दोनों तरफ सीढ़ी और लिफ्ट के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। भविष्य में एस्केलेटर प्रदान करने के लिए स्थान भी प्रदान किया गया है। टाइप 3 स्टेशन 30 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होगा। हर तीसरा स्टेशन इस प्रकार का होगा और इसमें इलेक्ट्रिक बसों के लिए सहायक लेन की व्यवस्था के साथ सीढ़ियां, एस्केलेटर और लिफ्ट होंगे। CBS इंटरचेंज के लिए दोनों कॉरिडोर पर एक आम स्टेशन होगा। ये यात्रियों के लिए एक स्काईवॉक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होगा। इसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर लिफ्ट और एस्केलेटर प्रदान किए गए हैं। बसों में लेवल बोर्डिंग, कंफर्टेबल सीट्स, ऑटोमेटिक डोर, स्टेशन और बस के आने की सूचना जो एक इंटेलिजेंट ट्रांस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा संचालित होगी, नासिक सिटी के साथी यात्रियों के लिए प्रभावी और आरामदायक सेवा सुनिश्चित करेगी। भविष्य में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक कोच ऑपरेशन को लाइट रेल ट्रांजिट या अर्बन ट्रैम ऑपरेशन में तब्दील किया जा सकता है अगर इलेक्ट्रिक कोच ऑपरेशन के लिए राइडरशिप थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है और शहर को उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है।
MRT पीटर रूट की बसों के प्रभावी शेड्यूलिंग और रखरखाव को सक्षम करने के लिए प्रत्येक रूट के अंत में डिपो होंगे। ये नई पीढ़ी के पीटर रूट की बसें एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम करते समय ओवरहेड ट्रैक्शन का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी और सड़क पर संचालन करते समय बैटरी पावर पर चलेंगी। ये प्रणाली शहर के लिए एक वरदान होगी और पीक ऑवर के दौरान 8,000 से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाएगी। नासिक को हरा भरा और स्वच्छ शहर बनाने के लिए एक तेज अनुकूलनीय किफायती और स्वच्छ परिवहन प्रणाली का स्वागत करें।